वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स। देखिए आज मैं आपके लिए कितना खूबसूरत सा प्यारा सा बूटियाँ वाला जूते का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। और ये बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसे थोड़ा सा डिफरेंट है बनाने में। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखिए मेरा सिलाई नंबर 11 है, सॉरी मेरा सिलाई नंबर 12 है। और मैंने देखिए वर्धमान का ऊन लिया है और ये दो कलर मैंने चूज़ करें और कितना प्यारा है। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो डिज़ाइन है ना, ये मैं आपको अलग से बता देती हूँ यहाँ तक, और बाकी का सारा प्रोसेस हम इसी जूते पे करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13। देखिए फ्रेंड्स ये हम ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम 13 फंदों से स्टार्ट करेंगे। और ये 6 से 7 नंबर का जूता है। और अगर आपने छोटा बनाना है तो आप स्टार्ट इसी तरह करिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे छोटा बड़ा कैसे कर सकती हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फ्रेंड्स देखिए 13 फंदे बुनने हैं और 13 फंदे डालने हैं। और 13 फंदे डालने के बाद फ्रेंड्स आपने फर्स्ट रो जो बुननी है पूरी आपने सीधी बुननी है। फ्रेंड्स इसमें सिर्फ सीधी और उल्टी सिलाई का काम है, बस थोड़ा सा डिज़ाइन है, वो आप स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करेंगी तो आप इसे इंशाल्लाह ज़रूर बना लेंगी। तो देखिए फर्स्ट रो पूरी आप सीधी सीधी बुन दीजिए, बहुत इजी है इस तरह से। देखिए और लास्ट वाला फंदा जो है उसको उल्टा बुन लीजिए, क्योंकि यहाँ एक चैन आएगी तो हमें इजीली हम यहाँ से फंदे उठा लेंगे इस तरह से। फिर ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लास्ट वाला फंदा 13। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैंने दो सिलाइयाँ बुन ली तो मेरी एक लाइन आ गई है। आपने इस तरह से फ्रेंड्स इसके अंदर 6 सिलाइयाँ बुननी हैं। तो मैं 6 सिलाइयाँ बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने 6 सिलाइयाँ बुन ली हैं तो मेरी 3 लाइनें आ गई। देखिए 1, 2, 3 6 सिलाइयाँ बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 देखिए 5 सिलाई तो आपने 5 फंदे तो आपने सीधे सीधे बुने, एक फंदा बढ़ाइए यहाँ से देखिए इस तरह। फिर आपने ये देखिए 1, 2, 3 3 फंदे बुने सीधे, एक फंदा बढ़ाइए। फिर आपने 2, 4, 5 इन 5 फंदों को भी सीधा बुन दीजिए। तो हमने देखिए 2 फंदे बढ़ा लिए हैं सिलाई में, यहाँ से धागा अपनी तरफ करके उल्टा फंदा कर दीजिए, हमारी 7वीं रो थी। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखिए उल्टी तरफ हैं, तो अब आपने 5 फंदे तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से सीधे सीधे बुनने हैं आपने। फिर आपने धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे आपने उल्टे बुनने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 5 फंदे उल्टे बुन लीजिए, धागा पीछे कीजिए और 5 फंदे सीधे बुनिए इस तरह से, धागा अपनी तरफ कीजिए, लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन लीजिए इस तरह से। अब फ्रेंड्स देखिए आपने क्या करना है, यहाँ से आपने फिर से 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदे तो देखिए मैंने सीधे बुन लिए। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखिए
एक और दो, यहाँ से देखिए पहले हमने पांच फंदों के बाद फ्रेंड्स पांच फंदे सीधे, एक फंदा बढ़ाइए क्योंकि हमने फंदे बढ़ाने हैं। एक फंदा मैंने बढ़ा लिया, छह हो गए, ये सात हो गए और ये आठ। अब इसके बाद देखिए दो दो चार, दो छः सात आठ, यहाँ भी आठ हैं और यहाँ यहाँ भी आठ हैं। तो अब आपने क्या करना है, आठ फंदों के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए इस वाले फंदे को आपने दूसरे कलर से बुनना है। एक फंदा अब आपने यहाँ से डिज़ाइन डालना है, छोटी सी बूटी डालनी है। तो आपने देखिए यहाँ से पहले एक फंदा सीधा बुनिए, फिर आपने एक बल डाल दीजिए, फिर दोबारा से उसी फंदे में यानी एक फंदे के तीन फंदे बना लिए मैंने। देखिए एक बुना, एक बल डाला और एक बुन लिया, तो एक फंदे के मैंने तीन फंदे बनाए। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए आपने क्या करना है, यहाँ एक दो दो चार पांच साइड के एक फंदा बढ़ा दीजिए इस तरह से, एक दो तीन चार, लास्ट वाला फंदा पांच। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इधर भी आठ फंदे हैं और देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इधर भी आठ फंदे हैं और बीच में हमारा एक हमारी यहाँ पर छोटी सी बूटी बन रही है। अब देखिए इसे पलट लीजिए, पलटने के बाद फ्रेंड्स देखिए आपने क्या करना है, यहाँ से एक उतारिए और पाँच फंदों का ये बॉर्डर है, हमेशा आपने पाँच फंदे सीधे ही बुनने हैं, सीधा सीधा बुनेंगे। तो ये तीन चार और ये पाँच, देखिए मैंने पाँच फंदे सीधे बुने, धागा अपनी तरफ कीजिए, ये उल्टे फंदे हैं तो आप बीच के फंदे उल्टे बुने जाएंगे, एक दो तीन, और देखिए फ्रेंड्स एक ये वाला फंदा उतार लीजिए। इसके बाद ये बीच वाले फंदे को जो आपने बुना था, ये वाला बीच वाला फंदा, इसे एक बार उल्टा बुन दीजिए, इस फंदे को उतार लीजिए। फिर आपने यहाँ एक दो तीन, फिर दो चार पांच, धागा पीछे कर दीजिए और यहाँ से पांचों फंदों को आपने अब सीधा सीधा बुनना है इस तरह से, धागा अपनी तरफ करके लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन लीजिए इस तरह से। तो देखिए अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए यानी कि ये बूटी देखिए कितने लाइनों में बनेगी, दो लाइनें कंप्लीट हो गई हैं डिज़ाइन की। फिर आपने पांच फंदे सीधे बुनने हैं, दो तीन चार पांच। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए आपने हर बार फंदे बढ़ाने, यानी कि जब आप सीधी तरफ आएंगे हर दूसरे सिलाई में आपने फंदा बढ़ाना है। तो मैंने फंदा बढ़ा लिया है, फिर आपने देखिए ये सीधा बुना। अब फ्रेंड्स देखिए आपने क्या करना है, ये वाला जो है ना आपका फंदा, ये इसको पहले आगे ले आइए और इसे पीछे ले जाइए इस तरह से, और इसे सिलाई पर डाल दीजिए इस तरह। अब आपने देखिए इसको इन दोनों फंदों के साथ मिला के बुनना है इस तरह से, ये आपने बुन दिया, एक फली सी बन गई। बीच वाले फंदे को उतार लीजिए, उसे नहीं बुनेंगे, और ये जो है ना इसको सीधा कर लीजिए और इस वाले फंदे के साथ मिला करके सीधा बुन दीजिए इस तरह से। तो देखिए इस तरह बन गया। अब आपने ये वाले फंदे एक दो 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 चार पाँच, तो दो चार पाँच, अपने धागा यहाँ आपने एक फंदा बढ़ाना है इस तरह से, और ये पांच फंदे थे इन्हें सीधा बुनना है, एक दो तीन चार, लास्ट वाला फंदा पांच इस तरह से। तो देखिए इस तरह से मेरी एक अभी एक बूटी बनी है, थोड़ी सी रह गई है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए पांच फंदे सीधे बुनिए, दो तीन चार पांच, उल्टी तरफ हैं तो बीच के फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन चार, और ये गुलाबी वाले फंदे को उतार लीजिए, पाँच छः सात आठ नौ, नौ फंदे हमारे
उल्टे हो गए धागा पीछे करके, बाकी के पांचों फंदों को आपने सीधा सीधा बुनना है इस तरह से। देखिए अब आपने फ्रेंड्स फिर से देखिए, पांच फंदे सीधे, दो तीन चार पांच, पांच फंदे सीधे, एक आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर फंदा बढ़ाना है, एक फंदा बढ़ा लिया। अब आपने देखिए ये वाले फंदे आपने सीधे बुनने हैं यहाँ, और ये गुलाबी वाला फंदा जो था इसको आपने सीधा बुनना है इस तरह से। फिर आपने ग्रीन वाले से एक दो तीन चार पाँच, चार चार गिनेंगे, ये दो चार ये पांच फंदे साइड के बॉर्डर के, एक फंदा बढ़ा देंगे, फिर पांचों फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ, एक उल्टा फंदा। अब आपने फिर से पांच फंदे सीधे बुनने हैं, दो चार पांच, धागा अपनी तरफ, ये बीच के फंदे सारे आपने अब उल्टे उल्टे बुनने हैं, दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। तो बीच के ग्यारह फंदे हमने उल्टे बुने, धागा आगे करके पांचों फंदों को सीधा सीधा बुन देंगे। धागा अपनी तरफ, लास्ट वाला फंदा उल्टा। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैं ये बूटी डालूंगी, तो मेरी एक बूटी का डिज़ाइन इस तरह से देखिए तैयार हो गया है। ये फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गया ना। अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए पांच फंदे आपने फिर से सीधे सीधे बुनने हैं, चार और पांच, दो चार पांच, एक फंदा बढ़ा दीजिए, फिर आपने देखिए एक और दो, दो फंदे आपने सीधे बुने। अब आपने देखिए फ्रेंड्स, अभी तो हमने एक बूटी डाली थी, अब हमने दो बूटियां डालनी हैं, तो यह इसमें बुनाएंगे, इसमें बनाएंगे। तो देखिए एक फंदे को मैंने सीधा बुना, फिर मैंने एक बल डाल दिया, फिर मैंने एक फंदे के तीन फंदे बना लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपने पांच फंदे सीधे बुनने हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदों का गैप है, इस फंदे पे आपने फिर से एक एक बल डालिए और ये दो, फिर आपने ये देखिए एक और दो और एक फंदा आप बढ़ा लीजिए। सीधी सिलाई पे हम फंदे बढ़ा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अब आपने एक दो तीन चार, लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन लीजिए, क्योंकि हमें इधर चैन चाहिए, यहाँ से हमने फिर फंदे भी उठाने हैं। इस तरह से देखिए अब हमारी दो बूटियाँ आ जाएंगी फ्रेंड्स। तो अब आपने क्या करना है, इस तरह से पांच फंदे सीधे, दो तीन चार पांच, पांच फंदे सीधे, द एक धागा अपनी तरफ कीजिए। अब ये बीच के फंदे एक दो तीन, फिर आपने देखिए एक गुलाबी फंदा उतारना है, बीच वाले फंदे को आपने उल्टा बुनना है, फिर ये गुलाबी वाला फंदा उतारिए, फिर आपने एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे उल्टे, एक उतारिए और एक ये वाला फंदा बीच वाले फंदे को उल्टा बुनिए और इस वाले फंदे को उतार लीजिए, और ये देखिए एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे, पांच फंदे सीधे, चार सीधे और लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन दीजिए इस तरह से। धागा अपनी तरफ, फिर से इस तरह, देखिए
अब आपने फिर से फ्रेंड्स देखिए, पांच फंदे सीधे, दो तीन चार पांच, पांच के बाद एक फंदा बढ़ा लीजिए, फिर आपने एक दो, और अब देखिए फ्रेंड्स इस वाले फंदे को पीछे लेके जाना है, गुलाबी वाले फंदे को आगे लाना है। तो इस तरह से ये ले लीजिए, इसको आगे ले आइए, सिलाई पे डालिए, और अब आप इसको सीधा बुन दीजिए। तो हमारी छोटी सी खूबसूरत सी फली सी बनेगी। ये देखिए इस तरह ये गुलाबी वाले फंदे को उतार लीजिए, और अब इस फंदे को सीधा करिए, और दूसरे फंदे के साथ मिला करके आपने सीधा बुन देना है इस तरह से। फिर आपने ये बीच के फंदे एक दो तीन, अब आपने फिर से इस फंदे को पीछे ले जाना है, हरे वाले को, गुलाबी को आगे लाना है। तो इस गुलाबी वाले को आगे डालिए और इन दोनों को मिला करके फ्रेंड्स फिर से सीधा बुन दीजिए। बीच वाले फंदे को उतार लीजिए और इस फंदे को सीधा कीजिए, और इस वाले फंदे के साथ मिला करके बुन दीजिए इस तरह। फिर आपने एक दो, ये दो चार पाँच बॉर्डर के फंदे एक बढ़ाइए, फिर आपने पांच फंदे, चार फंदे सीधे सीधे बुनी, और लास्ट वाले फंदे को आपने धागा आगे करके उल्टा बुन देना है इस तरह से। देखिए मेरी दो फलियां भी तैयार हो रही हैं, यानी कि हमने दूसरी हमारी दूसरी वाली छोटी सी बूटी जो है वो तैयार हो जाएगी। धागा पीछे रख के इन पांच फंदों को पहले सीधा बुनिए, दो तीन चार पाँच, धागा अपनी तरफ, पांच फंदे, ये वाले फंदे एक दो तीन और ये चार, चार उल्टे फंदे, गुलाबी वाला उतार लीजिए, फिर आपने एक दो तीन चार पांच, गुलाबी फंदा उतारिए, फिर एक दो तीन चार, और इन पांच फंदों को सीधा सीधा बुनिए। इस तरह से फिर से फ्रेंड्स देखिए आपने, अब क्या करना है, फिर से पांच फंदे हमने सीधे सीधे बुनने हैं, एक फंदा बढ़ाइए, और अब आपने एक दो तीन चार, और ये जो है ना आपका, इसको बुन दीजिए इस तरह से। फिर ये देखिए एक दो तीन चार पाँच, और इसको बुन दीजिए। फिर आपने एक दो तीन चार, धागा के बाद चार और दो, ये पांचों फंदों को एक दो तीन चार, लास्ट वाला फंदा उल्टा क्योंकि हमने चेन डालनी है इस तरह से। फ्रेंड्स देखिए ये वाली बूटी भी देखिए कंप्लीट हो गई है, इसी तरह से हमने बनाना है। अब देखिए मैं ये बिल्कुल लास्ट तक बता देती हूँ, एक दो तीन चार पांच, धागा अपनी तरफ, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये पंद्रह, ये बीच के मेरे पंद्रह फंदे मैंने, पंद्रह सोलह, दो दो चार पाँच, धागा पीछे कीजिए और यहाँ से बाकी के फंदे आपने बुन देने। यानी बस अब आपने फ्रेंड्स सारे फंदे उल्टे बुनने हैं बीच के, और लास्ट वाले फंदे, ये जो पांच फंदे थे, इन्हें इस तरह से बुनना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए ये दो बूटियाँ तैयार हो गई हैं।
अब फ्रेंड्स देखिए आपने क्या करना है, फिर से आपने यही बूटियाँ चलानी है। तो पहले पांच फंदे उल्टे रखिए, ये सीधे, दो तीन चार और ये पांच। फिर इसके बाद फ्रेंड्स देखिए एक फंदा बढ़ाइए, ये छः, फिर आपने देखिए एक और दो, दो के बाद आपने यहाँ से फिर से आपने ये पत्तियों वाले डिज़ाइन डालना है, एक इस तरह से, यहाँ से एक एक बल डालिए इस तरह से। फिर आपने देखिए पांच फंदों का गैप डालना है, एक दो तीन चार पांच, और फिर आपने यहाँ एक एक बल डालिए, एक फंदे के तीन फंदे बनाइए, फिर देखिए पांच, एक दो तीन चार पांच, एक फंदे के तीन फंदे बनाइए, एक बल डालिए तीन, फिर यहाँ देखिए एक दो, और यहाँ सॉरी ये हरे से बनेंगे, ये हो गए, यहाँ आपने हरे से बुनना है, एक और दो, और इस फंदे को एक बढ़ा लीजिए, बाकी के पांचों फंदे आपने सीधे सीधे बुन देने। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए मेरे देखिए इधर भी आठ फंदे हैं और इधर भी आठ फंदे, और बीच में मेरा डिज़ाइन आ गया। और ये देखिए मैंने एक दो फली बता दी और तीसरा भी स्टार्ट करना बता दिया। इस तरह से फ्रेंड्स हमने इसको बढ़ाना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इसको आगे बढ़ा लिया है इस तरह से, ये देखिए। और देखिए फ्रेंड्स पांच फंदों के जो ये थे ना, पांच फंदों पे ये हमारा देखिए जो हम सीधा सीधा बुन रहे थे, तो ये हमारा देखिए बॉर्डर आ गया है। और ये मैंने आपको यहाँ तक बता दिया, बस मैंने इसे रिपीट करा है और दोनों किनारों पर मैंने एक एक फंदा बढ़ाया है और मैंने छोटी छोटी बूटियाँ बना ली हैं इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स मैंने कितनी लाइनें बनाई हैं, देख लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः, मैंने छः लाइनें बनाई हैं। और अगर फ्रेंड्स देखिए अगर आपने छोटा सा बनाना है यानी थोड़ा छोटा पैर है, तो आप ये छः लाइनों को, ये छः लाइनें बनाई मैंने बड़े पैर के लिए, आप पांच लाइनें बना लीजिए यहाँ तक, और इसके बाद जैसा मैं बता रही हूँ आप उसे आगे बढ़ा लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इतना बनाने के बाद फ्रेंड्स अब आपने क्या करना है, यहाँ तक तो हमारा देखिए हमने ऊपर से स्टार्ट करा है तो ये हमारा पंजे तक कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसका सोल बनाना है यहाँ से। तो देखिए किस तरह स्टार्ट करेंगे, ये देखिए आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से दो तीन चार पाँच, ये पांच फंदे, दो चार पांच फंदे मैंने सीधे बुने। इसके बाद देखिए पांच के पांच, छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस। देखिए फ्रेंड्स 21 फंदे मैंने सीधे बुने। इसके बाद देखिए आपने 9 फंदे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और 9, 9 फंदे सीधे बुने। और इधर देखिए मेरे 21 फंदे हैं, दो चार छः आठ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस। तो फ्रेंड्स देखिए इधर भी 21 फंदे, इधर भी 21 फंदे, और बीच के 9 फंदे, इन 9 फंदों पे आपने अब सोल बनाना है। ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और फ्रेंड्स देखिए इन दो फंदों को इस तरह से एक साथ बुन दीजिए। तो हमने एक फंदा घटा लिया, फिर आपने इसको जो बुन लिया था उसे छोड़ दीजिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ,
और इन दोनों फंदों को एक साथ मिला करके घटा दीजिए इस तरह से। फिर आपने पलटना है और ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और इन दो फंदों को एक साथ मिला करके उल्टा बुन दीजिए इस तरह से। फिर से फ्रेंड्स आपने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और इन दो फंदों को एक साथ मिला करके उल्टा बुनिए। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से ये हमारा पीछे से सोल बनता जा रहा है। तो फ्रेंड्स आपने देखिए इधर से एक फंदा मिलाकर बुनना है, इधर से एक फंदा मिलाकर बुनना है, यहाँ तक आपने पूरे फंदे एक साथ मिला करके बनाते जाना और ये पीछे से सोल बनता जा रहा है इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए मैं इसे रिपीट कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने पीछे का थोड़ा सा सोल तैयार कर लिया है, दोनों तरफ से मैंने फंदे ले लेके बुन लिया है और मैंने लास्ट तक बुना है। अब भी इसके अंदर 9 ही फंदे हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स देखिए, अब आपने यहाँ से फंदे उठाने हैं और देखिए इस साइड से भी फंदे उठाने हैं। तो देखिए फंदे कैसे उठाएंगे, इधर से उठाएंगे पहले। तो देखिए आप क्रोशिया से ले लीजिए और यहाँ से आपने देखिए 21 फंदे उठाने हैं आपने फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से यहाँ से लेते जाइए और सिलाई पे डाल दीजिए इस तरह से। यहां से लेते जाइए तो फ्रेंड्स देखिए मैं सारे फंदे उठा लेती हूँ 21 फंदे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इधर से मैंने देखिए 21 फंदे उठा लिए हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से ये ऊपर का है ना, तो आपने देखिए 5 फंदे आपने यहाँ से सीधे, आप ये इधर हैं तो यहाँ से हमने 5 फंदों का बॉर्डर भी बनाना है। तो देखिए आप इसे इसी तरह से अभी सीधा सीधा बुन लीजिए। यहाँ से फ्रेंड्स देखिए आप ये फंदे उठा लेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर आपने बॉर्डर डालना है, यहाँ से पट्टी इस तरह से घूमेगी। तो आप यहाँ से 5 फंदे पहले उल्टे बुन लीजिए, एक दो तीन चार और ये 5, 5 फंदे फिर देखिए मैंने उल्टे बुने धागा पीछे करके। अब मैं सारे फंदे सीधे बुनूंगी, एक यहाँ से दो तीन चार पाँच छ सात आठ, इस तरह से सारे फंदे आपने फ्रेंड्स देखे सीधे सीधे बुनने हैं, क्योंकि हम सीधी तरफ हैं तो सीधा ही बुनेंगे यहाँ से। ये इस तरह से देखिए 5 फंदे मैंने उल्टे बुने, बाकी सारे फंदे सीधे बुन दिए। अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से भी उठाने हैं फंदे, तो देखिए फंदे यहाँ से तो उठा लेंगे इजीली यहाँ से। ये देखिए एक दो, यहाँ से भी आपने फ्रेंड्स 21 ही फंदे उठाने हैं, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह
पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, उन्नीस, बीस और ये 21। इस तरह से अब आपने फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए यहाँ से भी आपने पांच फंदे सीधे बुनने हैं। एक, दो, तीन, चार और ये पांच, पांच फंदे सीधे बुने। धागा अपनी तरफ लेकर आइए। अब आपने एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, इस तरह से। अब आपने देखिए ये बुना ना फ्रेंड्स, अब आपने ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं। बस ये पांच फंदों का आप ध्यान रखिएगा कि पांच फंदे सीधे बुने जाएंगे यहाँ से, इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये सारे फंदे बुनकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने पूरी सिलाई उल्टे उल्टे बुन ली है और बुनने के बाद देखिए अब हम इधर आ गए। अब आपने क्या करना है, देखिए ये ऊपर की पट्टी है बॉर्डर की, तो पहले आपने पांच फंदे उल्टे बुनने हैं। एक, दो, तीन, चार और ये पांच। तो देखिए बॉर्डर बनता जा रहा है पांच फंदों का। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए एक, दो, तीन, तीन फंदों के बाद चौथा फंदा जो बुनेंगी ना आप इसे कलर से बुनेंगी। आप एक अपना कलर लगा लीजिए, एक एक फंदा आपने इस कलर से बुनना है। फिर आपने देखिए एक, दो, तीन, तीन फंदे इससे बुने क्रीम कलर से और एक फंदा इससे बुन दीजिए। इस तरह से हमारी एक फंदों की बूटी बन जाएगी। एक, दो, तीन और चौथा फंदा इससे बुनेंगे। एक, दो, तीन और चौथा फंदा इससे बुन देंगे। इस तरह से हम पूरी सिलाई को कवर करेंगे फ्रेंड्स। दो, तीन और एक फंदा इससे बुनेंगे। तीन के बाद चौथा फंदा इसी से बुनेंगे। फिर तीन, एक, दो, तीन और चौथा फंदा इससे बुनेंगे। एक, दो, तीन और चौथा फंदा इसी से बुनेंगे। एक, दो, तीन और चौथा फंदा इससे बुनेंगे।
एक दो तीन, देखिए यहाँ आ गया ना, एक दो के बाद आपने यहाँ से ये देखिए यहाँ आ गए फ्रेंड्स। तो देखिए दो दो चार, ये पांच, ये पांच फंदे जो है ना ये आपके इसके हैं बॉर्डर की पट्टी के। तो ये आपने पांच फंदे अभी ऐसे ही सीधे बुनने हैं। आपने क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ से पांच फंदे सीधे बुनने हैं, दो तीन चार और ये पांच। देखिए पांच फंदे सीधे। अब आपने फ्रेंड्स धागा अपनी तरफ करके पूरी सिलाई आपने उल्टी उल्टी बुननी है इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये पूरी सिलाई उल्टी बुनकर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से मैंने पूरी सिलाई उल्टी बुन ली है। अब आपने फिर से फ्रेंड्स देखिए यहाँ से पांच फंदे सीधे बुनने हैं। अब आपने फ्रेंड्स पूरी सिलाई दोबारा से इसी कलर से सीधा सीधा बुनना है। ये पूरा सीधा बुन लेंगे फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने पूरी सिलाई बुन ली है। और अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम सीधी तरफ हैं। तो देखिए यहाँ से आपने पांच फंदे इस तरह से सीधे बुनने हैं, दो दो चार पांच। अब आपने फ्रेंड्स देखिए, अब आपने फिर से जैसे ये एक आपने एक फंदे की बूटी से डाली है ना, इस तरह से हमने फिर से इसी तरह बुनना है। तो देखिए धागा अपनी तरफ लाइए और यहाँ से एक दो तीन, तीन के बाद फ्रेंड्स देखिए जो बीचों बीच में फंदा है ना, यहाँ आपने यहाँ बुनना है, एक यहाँ डालना है। और फिर इसके बाद देखिए एक दो तीन, और तीन के बाद आपने फिर से चौथा फंदा इसी से बुनना है। फिर देखिए ये बिल्कुल बीच में आ रहा है ना, देखिए इन दोनों के बीच में, ये देखिए बीच में तीन फंदे थे तो हमने दूसरे फंदे पे बुना है, एक इधर छोड़ा एक इधर छोड़ा, इसके बीच में बुन लिया। तो अब आपने इसी तरह से बुनना है, दो तीन, और फिर आपने इस तरह से बूटी डालनी है, छोटे छोटे सी बिंदिया डल जाएंगी तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा इस तरह से। तीन और चौथे में आपने इस तरह से बिंदी डालनी है। तो फ्रेंड्स बस देखिए, अब हमने इसी तरह से बिंदी डालकर इसको आगे बढ़ाना है। तो मैं इसे बड़ा कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। इस तरह से मैंने पीछे का हिस्सा भी देखिए तैयार कर लिया है। और मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कितनी लाइनें बनाई हैं इस कलर से। तो देखिए आप इन बिंदियों को गिनेंगे ना, तो देखिए कितनी है ये, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह। मैंने 12 बार डाली हैं। और अगर फ्रेंड्स आपका पैर छोटा है तो आप इसको थोड़ा सा पीछे से कम भी कर सकती हैं। और देखिए यहीं पर मैंने इसको रोक दिया है क्योंकि मेरे पैर की लंबाई इतनी ही है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से फिर से आपने अब उल्टा बुनना है इस तरह। और फ्रेंड्स देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि अब देखिए हमने दोनों तरफ के फंदों को बराबर रख के बीच में जो थोड़े से 9 फंदे हैं ना, बस उन्हें घटाने। तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21। देखिए 21 फंदे इधर हो गए और अब इधर से भी 21 गिन लीजिए, दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह 14 15 16 17 18 19 20 21। देखिए ये 21 फंदे हो गए हैं फ्रेंड्स। अब आपने ये जो बीच के फंदे हैं, दो दो चार दो छः सात आठ नौ, इन 9 फंदों को आपने घटाना है। तो देखिए 2 फंदों को एक साथ बुन लिया,
फिर आपने ये देखिए यहाँ से इसे बुना है इस तरह से। बस आपने जब आप इधर से इसी तरह बुनते जाएंगे इस तरह, देखिए मैं अब सीधा बुन रही हूँ। यहाँ से इस तरह ये पांच फंदे जो हैं इनको आपने उल्टा बुनना है। धागा पीछे करके एक सीधा बुन दीजिए इस तरह से। फिर से फ्रेंड्स आपने क्या करना है, फिर से आपने सारे फंदे अब हम उल्टे बुनेंगे। दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस। ये तो हमारे साइड के फंदे, और इस फंदे को इसके साथ मिला करके घटा दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे दो फंदे घट गए हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स आपने पूरे नौ फंदे घटा लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने बीच के फंदे देखिए घटा लिए हैं नौ फंदे, और देखिए इधर भी 21 फंदे हैं और इधर भी 21 फंदे हैं। तो आपने अब इन दोनों को इस तरह से रखना है और इन दोनों को आपने मिला करके बंद करना है। यहाँ से लीजिए यहाँ से और यहाँ से इन दोनों फंदों को सीधा बुनिए, उतार दीजिए। फिर देखिए इस लाइन पर और इस लाइन, इन दोनों को एक साथ बुनिए, उतार दीजिए और ये वाले फर्स्ट वाले फंदे के ऊपर से गिरा दीजिए इस तरह से। ये देखिए फिर आपने इसके ऊपर से गिराना है। बंद करना तो मैंने फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, लेकिन जो भी कुछ नए व्यूअर्स हैं वो इस तरह देख के गिरा सकते हैं। देखिए दोनों को, दोनों में से एक बार सीध बुनिए, फिर आपने ऐसे गिरा देना। 21 दोनों तरफ हैं तो 21 ही बार एक एक फंदे को मिला मिला करके अपने गिराना है इस तरह। ये देखिए तो मैं इनको पूरा बंद करके आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए ये बंद हो गया है। इस तरह से इसका लुक आया है। देखिए अब हम इसमें इसको फाइनल टच देंगे, यानी कि यहाँ से अब हम इसकी आउटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स आपने यहाँ से जॉइंट करना है और देखिए एक दो तीन, तीन चैन बुनिए, फिर आपने डबल क्रोशे से एक बार दो बार, यानी कि आपने दो बार बुनना है। और देखिए एक दो छोड़ के यहाँ पे इसको जॉइंट करिए यहाँ से, फिर एक दो तीन, फिर आप देखिए एक दो छोड़ के तीसरे में जॉइंट कर दीजिए एक दो तीन। चाहे तो फ्रेंड्स आप दो भी रख सकती हैं और आप चाहें तो तीन भी रख सकती हैं इस तरह से। फिर देखिए एक दो छोड़ के तीसरे में बुन दीजिए इस तरह एक दो तीन। एक दो तीन
एक दो तीन। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं इसे पूरा कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना। देखिए फ्रेंड्स बनने के बाद देखिए कितना प्यारा सा लुक आया, देखिए। और ये देखिए इसका बैक है और ये फ्रंट है, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। देखिए यहाँ से बॉर्डर की लाइन आ रही है और यहाँ से भी, और ये बीच में हमने बूटियाँ वाला डिज़ाइन डाला है, और ये हमने थोड़े से कंगूरे बनाए हैं, और इससे ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारा प्यारा सा शूज़ तैयार हो गया है। और अगर फ्रेंड्स आपको यह हमारा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।